जैसा कि बिहार आईटीआई का एग्जाम हो गया है, अब आप सबको रिजल्ट आने का इंतजार है। कब तक रिजल्ट आएगा मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रिजल्ट जारी होने के बाद आपका रैंक शो होगा। रैंक शो होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग भरना होगा। इसके बाद आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड किया जाएगा। इसके बाद आप अपना एडमिशन उस कॉलेज में करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा जो एडमिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए ज़रूरी है तो इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बिहार आईटीआई से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के वक्त लगने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2020। आपने जो एग्ज़ाम दिया था और वो एग्ज़ाम हॉल में शिक्षक ने जो सिग्नेचर किया था वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, ठीक है। एडमिशन के टाइम ये ओरिजिनल कार्ड वहाँ पे आपको लेके जाना है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट, आपका जो रैंक कार्ड जारी होगा वो आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। रैंक कार्ड जो आप हार्ड कॉपी निकलवाएंगे वो आपको वहाँ पर मांगा जाएगा, तो ये भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। थर्ड नंबर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट आउट ऑफ चॉइस स्लिप 2020। आप जो यहाँ पे चॉइस स्लिप फिलअप करेंगे उसका जो है यहाँ पे आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लेना है चॉइस स्लिप का और वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन पार्ट ए एंड बी आईटीआई कैट 2020। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी वो भी निकलवा के लेके जाना है साथ में। उसके बाद हम फाइव नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो द वेरिफिकेशन स्लिप अलॉटमेंट ऑर्डर, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना है। जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आपको यहाँ पे दो पेज का अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा जो कि आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देखिए, हमारे पास सिक्स कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको यहाँ पर छः कॉपी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाना है और वो फ़ोटो लेके जाना है जो कि आपने ऑनलाइन के टाइम जो दिया था आपके जो एडमिट कार्ड में है वो आपको यहाँ पे वो छः फ़ोटो लेके पासपोर्ट साइज का जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो है वो जीरोक्स लेके जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र। तो मैट्रिक का जो है आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और फिर यहाँ पे औपबंधिक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे जो है वो लेके जाना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पे वो चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। मैट्रिक या समकक्ष का जो है आपको साथ में ही चरित्र प्रमाण पत्र वो स्कूल से ही दिया जाता है जो कि आपको ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है मूल जाति प्रमाण पत्र और मूल आवासीय प्रमाण पत्र, ये आपको भी बनवा लेना है, ठीक है। तो मूल जाति प्रमाण पत्र और मूल आवासीय प्रमाण पत्र लेके साथ में जाना है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है ये उन लोगों के लिए है जो भूतपूर्व सैनिक एसएमक्यू का प्रमाण पत्र अपना दिए हैं या फिर विकलांगता कोटा डीक्यू प्रमाण पत्र जिनके पास है वो आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन फिलअप करते टाइम जो है इसका प्रमाण दिया होगा तो आपको यहाँ पे ये सारे
प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा, तो आप इनका एक या दो कॉपी ज़रूर करवा लें और आपको एडमिशन के टाइम लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बिहार ITI से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।